कांदिवली पश्चिम के संजय नगर के रहवासियों ने प्रदर्शन किया बिल्डर और एमएलए के खिलाफ। संजय नगर रहवासियों का कहना है कि बिल्डर और एमएलए संजय नगर के इलाके का सर्वे करते हैं, लेकिन इस बात की खबर तक लोगों को नहीं होती कि यह सर्वे किस लिए करवाया जाता है। इसलिए संजय नगर के रहवासियों ने बिल्डर और एमएलए के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ये सर्वे क्यों किया जा रहा है, किस बेस पे सर्वे की कौन सी जा रही है? देखो मैडम, कि जो सर्वे है ये लोग जो सर्वे कर रहा है उसके लिए हम लोग का मनाही नहीं है, लेकिन ये सर्वे के लिए कम से कम 20-25 दिन का ये लोग ने टाइमिंग देना चाहिए। आज समझो ये घर मेरा है, घर में मैं किधर खुद खड़ा नहीं है और आप सर्वे करके निकल जाएंगे तो बेचारा वो बेघर हो गया, तो उसके लिए कोर्ट के लिए और जनता के लिए, जनता के वजह से मैं सब बोल रहा है कि जो सर्वे अपना का आपको करना है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन 20-25 दिन का टाइमिंग दे के करें। और सोसाइटी की अथॉरिटी नहीं, वो तो बराबर है, धमकी तो दे रहा है। क्यों मालूम है कि जो सर्वे आप करवा रही वो सोसाइटी को ना लेटर ना कुछ, सोसाइटी को बिना इंतजाम किए हो रहा है। सोसाइटी को आपको सर्वे करना है तो सोसाइटी को बुला के आप बातचीत कीजिए और सोसाइटी का राय ले कि आप वो सर्वे कीजिए ना, तुम्हारा मन से अभी पहले भी आपने सर्वे को लेकर जो एक गुमराह करने का काम किया जा रहा है, क्या लग रहा है इससे यहाँ की जनता को किस तरह बाहर निकालने की आपकी कोशिश है? यहाँ की जनता को बार बार डराया जा रहा है, जैसा कि कोई खिलवाड़ रहता है। इस तरह से 25 तारीख को नोटिस मारा गया, 27 तारीख को सर्वे के लिए आने वाले थे लोग, फिर 27 का सर्वे रोका गया, फिर 27 को शाम को नोटिस लगा गया, फिर 30 तारीख को आज आने वाले थे। तो इस तरह से जनता को डराने धमकाने का जो काम चल रहा है, ये इसके पीछे कौन है ये आज तक हमारे सामने आया नहीं। हमें बताया जाता है कि कोर्ट का नोटिस है, कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर निकाला कौन ये भी बताया नहीं जा रहा है। लेकिन हमारे कुछ जानकारी के मुताबिक यहाँ पर विजय कमल प्रॉपर्टी जो 12 साल पहले यहाँ पर एग्रीमेंट किया था 2005 या 6 में, वो उसके पीछे है ऐसा हमें उसका एक संदेह है और उसके माध्यम से ये सर्वे हो रहा है। लेकिन विजय कमल प्रॉपर्टीज ने 12 साल में काम किया नहीं और अभी अगर कोर्ट के माध्यम से हमारे पास आना चाहता है तो विजय कमल प्रॉपर्टीज़ का अगर ये काम रहेगा तो उसको भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुमने यहाँ पर एग्रीमेंट किया था, तुम्हारा अगर हक बनता है तो तुम पब्लिक के बीच में आके तुम्हारा हक क्यों नहीं जताता है? ऐसा चोरी चुपके कोर्ट का सहारा लेके, पुलिस का सहारा लेके जो जनता में दहशत पैदा करना चाहता है, उस दहशत को, उस दहशतगर्दों के दहशत में जनता बिल्कुल आने वाली नहीं। इसका पूर जोर जनता विरोध करेगी, उसके लिए जनता को जो भी आंदोलन करना पड़े हम लोग उस आंदोलन में उतरने के लिए तैयार है। ये आंदोलन तो पहली बार जनता के नेतृत्व में किया जा रहा है, यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है, जनता इसका नेतृत्व कर रही है। ये आंदोलन बार बार सरकार के, ये आंदोलन बार बार सरकार जो सर्वे ला रही पब्लिक के ऊपर बेवजह, जबकि यहाँ से ना कोई सोसाइटी गई हुई है, ना यहाँ का कोई एक जनप्रतिनिधि, यहाँ पे कोई एक भी इंसान यहाँ से नहीं गया हुआ कि हमें सर्वे चाहिए। ये बार बार शॉर्ट नोटिस पर सर्वे लाया जा रहा है और ये हमें परेशान किया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है, इसलिए आंदोलन है। ये आंदोलन हम जब तक जारी रखेंगे जब तक कि जनता की मांग पूरी नहीं होगी। जनता की मांगें हैं, अगर ये सर्वे सरकारी है तो मैं प्रशासन से बोलना चाहूँगा कि जय हनुमान इतराट क्यों, जबकि लिंक रोड से लेकर यहाँ तक 30 से 35 सोसाइटियाँ हैं, तो सर्वे सबका होना चाहिए और पूरा कांदिवली में जहाँ जहाँ स्लम है सबका होना चाहिए। ये संजय नगर ही क्यों टारगेट पे है, मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि इसका, ये मेरी बात है वहाँ तक पहुँचाएगी कि कौन से कि इसका ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये हमारे इतना बड़ा अन्याय क्यों किया जा रहा है। भाजपा की सरकार की आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।